ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां भीड़ भाड़ भरे इलाके में एक पुलिया धस गई, बड़ा हादसा होते होते टल गया। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जेडीए के कार्यों की खुलती पोल, भ्रष्टाचार की उधड़ती परतें, रोड बनाने में गुणवत्ता की कमी की खुलती पोल। रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास अचानक एक पुलिया धस गई, बड़ा हादसा टल गया। जेडीए के जोन 5 में ये पुलिया धसी है, जहां लाखों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं दिन भर इधर उधर, वहां अचानक नाले के ऊपर बनी हुई पुलिया धस गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक धसी इस पुलिया ने जेडीए के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिया के निर्माण और गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर ये पुलिया कैसे धंसी? दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, रिद्धि सिद्धि के पास ये पुलिया धंसी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिद्धि सिद्धि से मानसरोवर जाने वाली इस जगह पर, जहां से लाखों की संख्या में स्टूडेंट जाते हैं, जहां बड़ी संख्या में कोचिंग्स हैं, जहां बड़ी संख्या में स्कूल हैं, उस जगह पर यह हादसा हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दिनेश, जेडीए किस तरह का कार्य कर रहा है, इसका इसकी पोल खोलती है तस्वीरें, बात हुई आपकी जिम्मेदारों से दिनेश? बिल्कुल, देखिए सुमित, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप कहीं कोई गलत नहीं है इस पूरे मामले में। आपने एग्जैक्ट पूरी बात बताई है कि वो पूरा रस भरा, वो भीड़ भरा एरिया है, वहां पर लाखों की तादाद में स्टूडेंट और लोगों की आवाजाही है, उस एरिया बहुत भरा, भीड़ भरा वो एरिया है। रिद्धि सिद्धि चौराहे से दुर्गापुरा के लिए, वो सॉरी रिद्धि सिद्धि चौराहे से चारों तरफ की कनेक्टिविटी है, मानसरोवर के लिए भी है और सोडाला के लिए भी है, उधर वैशाली के लिए भी है और इधर त्रिवेणी से टॉप रोड के लिए भी है। ऐसे में दिन भर ट्रैफिक की आवाजाही उस रोड पर बनी रहती है, पूरा एजुकेशन हब वो बना हुआ है उस जगह पर। और बड़ी बात यह है कि बारिश के मौसम में सड़कें धंसना, पुलिया धंसना, ये तो फिर भी आम बात है, लेकिन इस दौरान जब 40 टेम्परेचर है, बारिश की दूर दूर तक संभावना नहीं है, पानी कहीं सड़कों पर नहीं है, उस दौरान ये पुलिया का ऑटोमेटिक धस जाना किसी भी व्हीकल के वेट से, ये बड़ा लापरवाही और जेडीए के जो अधिकारी है या जो ठेकेदार है उनके कार्य के निर्माण की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा करा कि आखिर किस पुअर लेवल की क्वालिटी का सामान या मटेरियल उन्होंने काम लिया जो सूखे में भी सकदस गई, ये बड़ा सवाल खड़ा कर। गनीमत ये रही इस दौरान की कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि दिन भर न सिर्फ सुबह अर्ली मॉर्निंग बल्कि देर रात तक स्टूडेंटों की आवाजाही उस पर बनी रहती है, और अगर इस हादसे में कोई व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर अगर इस पुलिया में चली जाती है तो वो सीधे सीधे काल का ग्रास बन सकते हैं। जी सुमित, काल का ग्रास बन सकते हैं दिनेश, लेकिन सवाल मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपकी बात हुई जिम्मेदार अधिकारियों से, उनकी प्रतिक्रिया मिल पाई, क्या सफाई पेश कर रहे हैं इन तस्वीरों को देख कर? वो देखिए सुमित, अधिकारियों के पास जब कोई प्रॉपर जवाब किसी चीज का नहीं होता तो उनके पास एक रटा रटाया जवाब, एक सीधा सा फिक्स जवाब जो होता है वो होता है कि मामले को देख रहे हैं और जांच करवाएंगे, आखिर जांच के बाद जो चीजें आएगी निकलकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी होगा। ये लेकिन रास्ता ये भीड़ भाड़ वाला है दिनेश, गनीमत रही कि कोई वाहन चालक उस वक्त इस जगह से नहीं गुजर रहा था, गुजर रहा होता कोई टू व्हीलर चालक यहां से गुजर रहा होता, कितना बड़ा हादसे का सबब यह बन सकता था, इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। ये जिम्मेदारी जेडीए के अधिकारी ले या नहीं ले, लेकिन ये पूरी तरह जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन वो पूरी तरह जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। ये आखिर इतनी बड़ी ब्लंडर, लापरवाही, ब्लंडर मिस्टेक हो कैसे सकती है कि जब बारिश का दौर भी नहीं है, बारिश के दौर में तो फिर भी आम इंसान ये बात मान सकता है कि पानी के बहाव की वजह से, कहीं पानी के रिसाव की वजह से इस तरह के हादसे हो सकते हैं, लेकिन इस दौर में अचानक किसी जगह पर फ्लाईओवर का धस जाना बड़ी लापरवाही है, बड़े हादसों को नौता देती है। अब इसका दुरुस्तीकरण कब होगा दिनेश, क्या बारिश तक इंतजार करना होगा, या अब जी मीडिया ने खबर दिखाई तो कुछ एक घंटे बाद कर्मचारी पहुंचेंगे, दुरुस्त करेंगे, कुछ ऐसी लगती है संभावना आपको? कुछ पानी के छींटे देने का प्रयास किया जा रहा है इस हादसे पर जेडीए की तरफ से, जो इससे जस्ट पहले जो डिवाइडर था उस डिवाइडर को जेसीबी लगाकर तोड़कर
उस डिवाइडर को जेसीबी की सहायता से तोड़कर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और वो उसको तो तोड़ दिया गया। अब उसको तोड़ने के बाद में ट्रैफिक डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इधर से वाहन ना निकले क्योंकि डिवाइडर के नाम पर चार पत्थर रख दिए हैं, वो नजर आ रहा है, चार पत्थर रख दिए गए हैं। एग्जैक्ट सुमित, यही किया जा रहा है, जबकि जी मीडिया वीडियो दिखा रहा है उसमें स्पष्ट रूप से जहां से ये पुलिया बैठी है उसके पास से निकल रहा है, टू व्हीलर फोर व्हीलर निकल रहा है। जरूरी नहीं है कि ये ठीक है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।